अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूँ कि आप अपने यूट्यूब के लिए एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना है। मैंने इसमें बहुत सारे फीचर्स और एलिमेंट वीडियो में बताए हैं, तो अपने वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर चले जाना है। वैसे अगर आप ये अपने मोबाइल फ़ोन से क्रोम में भी करेंगे ना, तो आप ये वहाँ पे भी कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे आके एक कैनवा वेबसाइट है, आपने उसको सर्च कर लेना है। ये पहली वाली आपने वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपके पास ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यूट्यूब थंबनेल और यूट्यूब बैनर लिखा हुआ है, तो आपने यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके पास यहाँ पर एक और पेज ओपन हो जाएगा। तो फिर आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे आपके पास बहुत सारे जो है ना टेम्पलेट्स बने हुए आ गए हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक टेम्पलेट है, इस तरह के और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स, आपको जो पसंद आते हैं आपने वो वाले टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये वाला भी टेम्पलेट अच्छा लग रहा है। मैं अपने अपने लिए कोई एक आपको एग्जांपल के तौर पर बनाने के लिए देखता हूँ, तो अच्छा सा टेम्पलेट हो। मुझे लगता है ये वाला टेम्पलेट जो है ठीक है, चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस पर जो ये ऊपर कैनवा और ये ऊपर कैनवा लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो वाटर मार्क आ रहा है ना, तो ये आप पिक्चर्स यूज़ नहीं कर सकते या आप ये बैकग्राउंड यूज़ नहीं कर सकते। वो आपको एक्चुअली में ये बता रहा होता है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो बैकग्राउंड आप किसी और जगह से भी डाल सकते हैं, गूगल से भी डाल सकते हैं, और पिक्सल एक वेबसाइट है वहाँ से भी आप फ्री HD क्वालिटी के जो है बैकग्राउंड डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैंने पीछे कलर कर दिया। तो अभी आप यहाँ पर जो राइट साइड पर है, आप यहाँ पर अपनी, मैं तो भी टेक के लिहाज से थंबनेल बना रहा हूँ, तो आप जिस हिसाब से बनाना है आप बनाएं। बट राइट साइड पे आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये भी पिक्चर है, मैं इसको अपने थंबनेल के लिए कर देता हूँ। इसको आप यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अब ऐसे रखते हैं हमें, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ से ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, आप यहाँ से इसका जो है फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अब आपके पास बहुत सारे फॉन्ट्स का ऑप्शन आया था, मुझे तो अभी यही ठीक लग रहा है इस पर, तो मैं यही रहने देता हूँ। फिर उसके बाद आप इसको यहाँ से साइज़ को, टेक्स्ट के साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, हाँ अब ठीक लग रहा है। तो ये एनिमेशन भी हैं, बट ये वीडियो में काम आते हैं, आप थंबनेल के अंदर एनिमेशन नहीं लगते। तो इसके काम करते हैं हम, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा हमने शेड डाल दिया। तो शेड जो है वो मेरे ख्याल से ब्लैक कलर में होना चाहिए ना। फिर हम इसका पहले कलर चेंज करते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं। यहाँ से आप इसकी जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, मतलब आप किस साइड पे शेड देना है आप इसको यहाँ से वो कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। बस मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँगा, यहाँ पर ठीक लग रहा है ये, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, बस मेरे हिसाब में ठीक है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एलिमेंट्स में आ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है बहुत सारे ऐसे वी आइकन्स बने हुए होते हैं, जो आप आइकन्स अपने थंबनेल में यूज़ करना चाहते हैं। बहुत सारे फ्री आइकन्स भी होते हैं यहाँ पे, जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सब्सक्राइब का कुछ, ये हमारे पास यूट्यूब और सब्सक्राइब के लोगो और वो बने हुए आ गए। तो आप यहाँ से इसको ये वाला जो है आप इसके अंदर लगा सकते हैं सब्सक्राइब का, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे ठीक लगे। कहाँ पे लगा है इसको,
ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है नीचे ही ठीक लगेगा, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, बस मेरे हिसाब में ये ठीक है। यहाँ से आप इफ़ेक्ट के अंदर चले जाएं अगर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो हैं कलर्स ग्रेडिंग मिल जाएंगे। ये अच्छा लग रहा है, ये भी ठीक है। तो इधर से आप जो है अपनी मर्ज़ी के जो भी है कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मुझे तो यही ठीक लग रहा है। फिर आपके पास यहाँ पे ये बहुत सारे टेक्स्ट भी आ जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस हैं, तो आप इन सारे ऑप्शंस को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस पर मुझे तो रेड ही अच्छा लग रहा है, तो मैं इस पर रेड ही लगा लेता हूँ। असल में जब मैं बहुत सारे थंबनेल्स बनाता हूँ तो मैं इस पर बहुत सारे डिसीजंस लेता हूँ, बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ें चेक करता हूँ। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको अपने गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर सिंपली आप यहाँ से इसको जेपैग या PNG जो भी फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करनी है, आप यहाँ से इसको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप मुझे जो है बता सकते हैं आपको किस चीज़ के रिलेटेड वीडियो चाहिए, कोई आपको इशू है या आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, तो डेफ़िनेटली मैं इस चीज़ से वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस देखिए हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त थंबनेल बन चुका है और हमने बहुत ही कम टाइम में बनाया, तो ऐसे आपके पास कैनवा के अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं तो आप उससे ईजीली कोई भी थंबनेल बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।